वेलकम बैक ऑन माई चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग देखेंगे क्लास 5 का चैप्टर फ्रैक्शन। ओके, देखो, एज वी कैन सी दैट देयर इज ऑलरेडी द डेफिनेशन इज गिवन रिटन। व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, जब कोई चीज, समथिंग मीन्स व्हाट, समथिंग मतलब कह सकते हैं अ होल, ठीक है, अ होल, जब कोई मतलब समूचा, होल मीन्स क्या, कुछ समूचा, ठीक है ना, पूरा टोटल, जब कुछ चीज़ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ द होल। तो हर एक पार्ट क्या कहलाता है, फ्रैक्शन ऑफ द होल। तो हर एक पार्ट क्या कहलाता है, फ्रैक्शन ऑफ द होल। जैसे जैसे मान लो ये पिज़्ज़ा है, ठीक है, ये क्या है, पिज़्ज़ा है, हाँ, इसका इसे तीन इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, थ्री इक्वल पार्ट्स में क्या किया गया, बांटा गया, ठीक है, थ्री इक्वल पार्ट्स में बांटा गया। तो ईच पार्ट, हर एक पार्ट, ये क्या है, ईच पार्ट जो है ना, ये देखो इक्वल, सबसे पहले शब्द यूज़ हुआ इक्वल पार्ट्स में बांटा जाए, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ द होल। तो ये क्या हो गया, वन बाय थ्री, ये एक पार्ट, एक और टोटल कितने पार्ट्स है, तीन, तो वन बाय थ्री, ये भी क्या है, वन बाय थ्री, ये भी क्या है, वन बाय थ्री। तो देखो ये जो वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री क्या है, ये फ्रैक्शन है इस पूरे पिज़्ज़ा का, ठीक है ना। जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये चॉकलेट है, ठीक है, इस ये इक्वल पार्ट्स में बटा है और इतना पार्ट किसी को कट करके दिया गया, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में बटा है पहली बात, और इतना पार्ट किसी को कट करके दे दिया गया। तो ये ईच पार्ट, हर एक पार्ट क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो कह सकते हैं ये पार्ट जितना दिया गया वो कितना है, वन, और टोटल कितने, वन टू थ्री फोर फाइव, वन बाई फाइव, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द होल। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ कि व्हेन समथिंग, जब कुछ चीज़, ठीक है, इज़ डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स, वो जब कोई चीज़ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मतलब बांटा जाता है, तो ईच पार्ट, हर एक पार्ट क्या कहलाता है, फ्रैक्शन ऑफ द होल, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे, तो ये जैसे हुआ ना, तो ये भी कह सकते हैं वन बाई थ्री, ईच पार्ट को ऐड करेंगे तो फिर वो होल आ जाएगा, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री एंड वन बाई थ्री, और ये मिला लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वन टोटल मिलेगा, यानी होल मिलेगा पूरा, ठीक है। अब देखो इसे पढ़ते कैसे हैं, ओके, वन बाई थ्री को पढ़ते कैसे और लिखते कैसे, जैसे वन बाई थ्री है तो इसे पढ़ते कैसे, रीड एज, जैसे ओरली हम लोग बोल रहे हैं ना, जो मुंह से बोल रहे हैं तो वो रीड एज, तो इसे पढ़ेंगे वन बाय थ्री, वन बाय थ्री, क्लियर। जैसे है वन बाय फोर, तो इसे पढ़ते कैसे, वन बाय फोर, ओके, बट लिखते कैसे हैं, ओके, रिटन एज, जैसे ये है तो वन बाई थ्री को कैसे लिखते हैं, वन, और ये जो डेनोमिनेटर है उसे कहते हैं थर्ड, उसे लिखते हैं ऑर्डिनल फॉर्म में, ठीक है, वन थर्ड्स, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर, दिस वन इज डेनोमिनेटर, ठीक है, इसे न्यूमरेटर कहते हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए, और इसे क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर। तो देखो पढ़ते समय तो ऐसे पढ़ते वन बाई थ्री, वन बाई फोर, लेकिन लिखते कैसे है, न्यूमरेटर को जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे कार्डिनल फॉर्म में, और जो डेनोमिनेटर होता है ना उसे ऑर्डिनल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, वन थर्ड, जैसे ये वन फोर्थ, ओके, टी एच एस। अब और भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, सिक्स बाई सेवन, तो पढ़ते कैसे इसे, जैसे ओरली मुंह से कैसे बोलेंगे सिक्स बाई सेवन, लेकिन लिखेंगे कैसे, देखो रिटन एज सिक्स सेवेंथ, ओके, टी एच एस, इज दैट क्लियर, सिक्स सेवेंथ, ओके, हाउ कैन वी राइट दिस एज नाइन टेंथ, क्लियर। तो देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, क्या सीखा कि फ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई भी समूचा यानी होल चीज़, ठीक है, अब इक्वल पार्ट्स में बंटता है तो हर एक पार्ट को फ्रैक्शन कहते हैं, ये क्लियर हो गया।
फिर फ्रैक्शन के जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं, जो ऊपर में होता है, उसे न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, रीड कैसे करते हैं? तो रीड एज 1/3, 1/4, 6/7, 9/10, बट रिटन एज 1/3, 1/4, 6/7, 9/10। इज दैट क्लियर? नाउ अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये बॉल्स है, ठीक है, और ये बॉल्स रखे हैं और कहा गया कि ये जो बॉल्स नहीं, सर्कल, ठीक है, सर्कल ही मान लेते हैं, ये सर्कल्स है। कहा गया इसका 7/10 कलर करना है। ठीक है, 7/10 पार्ट्स को क्या करना है? कलर करना है इतने बॉल में से। तो देखो, टोटल हमेशा डेनोमिनेटर में रहता है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना, टोटल ऑलवेज इन डेनोमिनेटर। तो यहाँ देखिए, टोटल 10 है, 10 एज अ डेनोमिनेटर, और जितने पार्ट को कलर करना है, यानी 7 पार्ट्स को कलर करना है, ठीक है, जितने पार्ट को कलर करना है या जितने पार्ट को दर्शाया गया है, दर्शाना है, वो ऑलवेज इन न्यूमरेटर, लेकिन टोटल ऑलवेज इन डेनोमिनेटर। तो 10 में से 7 पार्ट को कलर करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लगातार करिए, कोई भी 10 में से 7 पार्ट को आप दर्शा सकते हो, कलर कर सकते हो। और अनकलर्ड पार्ट फिर कितना हो गया ये बताओ? अनकलर्ड फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड बॉल्स, अनकलर्ड सर्कल फ्रैक्शन हो। अब इफ समवन विल आस्क यू, राइट द फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड सर्कल, तो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन फॉर दैट? तो देखो, टोटल कितना है? टोटल को ऑलवेज इन डेनोमिनेटर, टोटल कितना है? 10। तो 10 को डेनोमिनेटर में रखा, और कितने अनकलर्ड है? 1, 2, 3, तो विल पुट 3 एज अ न्यूमरेटर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब देखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। वेरी इजी टॉपिक, ओके, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। देखो, लाइक और अनलाइक क्या होता है? ठीक है, फ्रैक्शन विथ, ध्यान से समझना, फ्रैक्शंस विद द सेम डेनोमिनेटर is like fraction, okay? Fraction with the same denominators are like fraction. ऐसे fraction जिसका denominator same होता है ना, denominator, वो कहलाते हैं like fraction। जैसे 2/7, 3/7, 5/7, 9/7, you can see the difference, you can see here, the डेनोमिनेटर्स आर सेम, योर डेनोमिनेटर्स आर सेम, तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। तो कम से कम दो फ्रैक्शन तो चाहिए ना भाई, कैसे कह सकते हो? एक फ्रैक्शन में तो पता नहीं चलता लाइक अनलाइक, कंपेयर तो करेंगे ना, तो कम से कम 4-5 फ्रैक्शन है, ठीक है, और उसमें देखा कि सारे फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर अगर सेम है तो कह सकते हैं कि वो लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। एंड अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस विथ different denominators, okay, are unlike fractions, okay. So here some examples are 4/5, 3/4, 7/11, 12/19, these are unlike fraction. Here we can see the denominators are not same, denominators are not same, so the fractions are unlike fraction. Got it? Is that clear? And the difference between like and unlike fraction is clear, कि ऐसे fractions जिसका denominator same हो तो वो like fraction, और ऐसे fraction जिसका denominator same ना हो तो वो unlike fraction, denominators देखने, ठीक है। Now come to the next topic, that is proper fraction, improper fraction and mixed fraction. Okay, proper fraction, improper fraction and mixed fraction, ये क्या है? देखो, proper fraction क्या होता है? ऐसा fraction, ध्यान से सुनना, ऐसा fraction जिसका numerator, n stands for numerator, ठीक है, n for numerator short में, ठीक है,
इज स्मॉलर देन इट्स डेनोमिनेटर, डी फॉर डेनोमिनेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डेनोमिनेटर ग्रेटर हो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। फिर एग्जाम्पल हम लेंगे बाद में, पहले और समझते हैं। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर और डेनोमिनेटर स्मॉलर हो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर डेनोमिनेटर ग्रेटर दैट इज प्रॉपर, और ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर ग्रेटर डेनोमिनेटर स्मॉलर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। जैसे एग्जाम्पल आप समझिएगा, 1/4, 7/9, 6/10, 11/20। देखो 11 न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डेनोमिनेटर, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस 1/4 न्यूमरेटर इज स्मॉलर डेनोमिनेटर इज ग्रेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/9 प्रॉपर, 6/10 प्रॉपर, ओके। तो देख सकते सारे केस में न्यूमरेटर स्मॉलर है और डेनोमिनेटर क्या है ग्रेटर है, तो ये कैसे फ्रैक्शन है प्रॉपर, ओके। अब मान लो 20/19, ओके, 16/15, 3/2, ये देखो 2/1, ये कैसे फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं डेनोमिनेटर क्या है स्मॉलर है अपने न्यूमरेटर से, है ना। तो ये कैसा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इज दैट क्लियर, प्रॉपर इम्प्रॉपर। नाउ कम टू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें दो पार्ट्स में बंटा होता है, ये दो पार्ट्स में बंटा होता है, ठीक है। एक होता है इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर्स जो होते हैं इंटीग्रल पार्ट, एंड अनदर वन इज फ्रैक्शनल पार्ट, अनदर वन इज फ्रैक्शनल पार्ट, ओके। तो जैसे देखो दो पार्ट में होता है मिक्स फ्रैक्शन, ओके, जैसे 2/5/7, और फ्रैक्शनल में भी कैसा फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल तो होता है लेकिन कैसा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन, कैसा फ्रैक्शन प्रॉपर, ओके, याद रखना है। तो 2 इज इंटीग्रल पार्ट, ये क्या है इंटीग्रल पार्ट है, हाँ, एंड दिस 7/5/7 इज व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट, कैसा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। 9/15/16, ओके, दिस इज इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर, प्रॉपर इम्प्रॉपर, लाइक फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर न्यूमरेटर ग्रेट स्मॉलर डेनोमिनेटर ग्रेटर, इम्प्रॉपर डेनोमिनेट न्यूमरेटर ग्रेटर डेनोमिनेटर स्मॉलर, इंटीग्रल मिक्स फ्रैक्शन दो पार्ट में, इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट में, ठीक है। इंटीग्रल समझ आ गया, इस तरीके ये होता है इंटीग्रल और इधर होता है फ्रैक्शनल, ये इंटीग्रल और ये क्या हो गया फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन में वो फ्रैक्शनल, ओके। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये सब कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे प्रॉपर को इम्प्रॉपर में, प्रॉपर को मिक्स में चेंज करते हो और मिक्स को इम्प्रॉपर में। थैंक यू, सॉरी। और जिसे भी मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।